हाय, आप देख रहे हैं फीफा फूज। मैं हूं भावना बलसावर। प्लीज़ कीप वॉचिंग। कि मैम, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूज। थैंक यू। स्पाई बहू, इस बारे में पहले तो आप थोड़ा बताएं इसकी यूनिक स्टोरी। ये है ही बहुत यूनिक, क्योंकि आप समझ सकते हैं स्पाई बहू, मतलब ये नाम ही बड़ा यूनिक है। क्योंकि आप स्पाई के बारे में सोचते हैं, हमेशा हमने देखा स्पाई हो तो मर्द की छवि आ जाती है, बंदूकें, एक्शन सीक्वेंसेस। लेकिन ये एक स्पाई है जो बहू है, तो मतलब वो सिर्फ खाना नहीं बना रही है, वो घर में रह के स्पाई कर रही है। एंड इट्स अ लव स्टोरी। तो स्पाई की कभी लव स्टोरी किसी ने देखी नहीं होगी, क्योंकि वो एंगल, वो नज़रिया किस कभी नहीं हुआ किसी स्पाई का। सो इट इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। और यही वजह है कि मैंने सोचा कि मुझे ये शो करना चाहिए, क्योंकि कुछ अलग देखने को मिले टीवी पे तो क्या बात है। बहू को तो हमेशा देखा है, ऐसी बहू वैसी बहू, स्पाई बहू पहली बार है जी। तो आपकी स्पाई बहू के बारे में क्या कहूँगी, जो हमारी स्पाई बहू है शो में? वो जो मेरी वो स्पाई जो बहू है वो मेरी बेटी है, तो मैं तो उसे जी जान से प्यार करती हूँ। और ये है थोड़ी सी झल्ली सी लड़की, गिरती पड़ती रहती है, तो किसी को लगेगा ही नहीं कि ये स्पाय है, इसीलिए इसको उस घर में डाला जाता है। और कोई सोच नहीं सकता कि ऐसी लड़की जो गिरती है, उसका चश्मा टूटता रहता है, ऐसी लड़की स्पाय बनेगी। लेकिन मेरे लिए वो मेरी सेजल है, सेजल कोटाड़िया, और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत छोटी सी थी जब मैं उसे अनाथ आश्रम से घर लाई थी, क्योंकि मैं एक बे औलाद माँ थी और बहुत सालों से हमें इंतज़ार था एक औलाद का। और उसके आने से घर में इतनी खुशहाली हुई कि मेरे लिए वो सब कुछ हो गई। और मैं मीनल जो हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती, तो मैं नहीं चाहती वो किसी के घर जाके बहू बने। स्पाई बनना तो बहुत दूर की बात है, मुझे वो उसका इल्म ही नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे दूर जाए, मेरे पास ही रहे। मैं उसकी शादी करा देना चाहती हूँ मोहल्ले में, ताकि वो मुझसे दूर ना जाए। तो ऐसा मेरा रिलेशनशिप है बहू के साथ, स्पाई बहू के साथ, जो मेरी बेटी है। ओके, आपकी बेटी और दामाद की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, हम तो देखते हैं, ऑफ स्क्रीन कैसी है? बहुत बढ़िया। मैंने सुना था कि अब आजकल जो हीरो हीरोइन जो होते हैं वो बड़े नकचड़े होते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं सना और सहबान, इतने अच्छे हैं, इतने रिस्पेक्ट, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतने डिसिप्लिनड हैं काम के मामले में भी। और हम तो आउटडोर पे थे साथ में, तो हर बार पैकअप के बाद वो मेरे कमरे में आते थे दोनों, हम सब ऐसे साथ में बैठ के गप्पे लड़ाते थे। तो इट्स अ ट्रू फैमिली। सहबान के साथ इतना काम नहीं किया मैंने ऑन स्क्रीन, लेकिन एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है पर्सनली। और सना तो मेरी जान है एनी वे, बिकॉज फर्स्ट डे मैं उससे मिली तो ऐसा लगा जैसे हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो वी बॉन्डेड ट्रिमेंडसली। हम साथ में सेट पे, सबके कमरे अलग होते हैं लेकिन सब साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते, कॉफ़ी पीते, तो इट्स लाइक अ कम्प्लीट फैमिली। ओके, इस शो में आपकी भी सास है, तो सास के साथ कैसी बॉन्डिंग है यहाँ पर? मेरी जो सास है, जो कैरेक्टर है उनका, वो थोड़ी सी खड़ूस है। खड़ूस मतलब बोलती तेज़ है, बोलती उनका, उनकी ज़बान बहुत तेज़ है, लेकिन दिल की अच्छी है। लेकिन जो टिपिकल होता है, वो ताने तो मारती ही है मुझे, लेकिन अब क्या है, आदत हो चुकी है, तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, मैं और जो मेरे पति बने हुए हैं, हमेशा हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अच्छा है, वो नोकझोंक अच्छी लगती है, मज़ा आता है। ओके, बहू से आपका एक अलग ही कनेक्शन है, विलेन वाली बहू, जी जी, स्पाई बहू, उस पे क्या कहोगे? तो मैंने वही कहा कि लोगों का जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, मेरा बहू बहू का रिश्ता है कलर्स चैनल के साथ। जब भी वो शो स्पाई बहू नाम के साथ बनाते हैं, मुझे कास्ट कर लेते हैं। ओके, यू वर्क्ड अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री, इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। मैं अच्छा, पहले तो मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी, बन गई, और अब एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं करना चाहती। इंडस्ट्री बहुत बदलती रहती है, मतलब प्रोग्रेस होता है, वक्त बदलता है, ट्रेंड्स बदलते हैं, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ना नहीं चाहती कभी भी। 2 साल लॉकडाउन रहा, हमने काम नहीं किया, लेकिन अब जब कर रही हूँ तो ऐसा लगता है कि बस यही है ज़िंदगी है। तो आई लव माई वर्क, आई लव द चेंजिंग ट्रेंड। मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मुझे हर लम्हा पसंद आया है, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये, कभी नहीं लाइफ में लगा ऐसे। विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर यू प्ले? हॉल, अगर वो मेरा फेवरेट नहीं होते तो मैं प्ले ही नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत कम काम करती हूँ, अपना काम चूज़ करती हूँ, और अगर मुझे पसंद आया तो मैं करूँगी ही नहीं। तो आई थिंक एवरी कैरेक्टर आई हैव प्लेड, आई हैव लव्ड प्लेइंग एंड आई हैव एंजॉयड इट। शोज के बारे में थोड़ा ऑडियंस को बता दो, कब से स्टार्ट हो रहा है? 14 मार्च। हाँ जी,
तो स्पाई बहू जो है वो 14th मार्च से आ रहा है कलर्स टीवी पर रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार, प्लीज़ देखिएगा। कौन सा? नहीं एक्चुअली शूट चलता है तो हम लोग टीवी नहीं देख पाते, मैं बहुत सारे शोज़ हैं जो मैं देखना चाह रही हूँ देख नहीं पा रही हूँ। थैंक यू। दादी जो सबसे बुजुर्ग है वो सबसे छोटी है। सेट पे सबसे ज़्यादा सेल्फी कौन लेता था? सेल्फी शायद कोई नहीं लेता, छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत फ़ोटो करते रहते हैं, जो छोटी मायरा बनी थी और जो मेरा छोटा बेटा बना है एकाग्र द्विवेदी जिसका नाम बम्बा है शो में, ये बच्चे बहुत फ़ोटो लेते रहते हैं। रील्स और सोशल मीडिया वो बच्चे बहुत ज़्यादा। पार्टी वाली कौन था सेट पे? पार्टी तो बस खाने के फूडीज हम बहुत हैं सब लोग, पार्टी इतना नहीं, लेकिन जब हम कश्मीर में थे सना साहबान और संजीव जी और मैं बहुत घूमे हर जगह, शायद जितना हो सके हमने श्रीनगर वगैरह देख लिया, गुलमर्ग भी देख लिया, तो उस हिसाब से पार्टी हमने बहुत की। स्लीपी है? कोई नहीं कोई नहीं, आप बताएं, 4 बजे सब हाजिर हो जाते शूट के लिए। अच्छा कोई ऐसे जो सेट पे लेट आता हो? नहीं, इसीलिए तो मुझे शायद ये यूनिट इतना अच्छा लग रहा है कि सब बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत पंक्चुअल है और काम के प्रति सबका डेडिकेशन बहुत कमाल का है। ओके, कनेक्शन शो का कहीं ना कहीं कश्मीर से भी है, पहले तो आपको थोड़ा कनेक्शन के बारे में कुछ बता सके तो। कनेक्शन ऐसा है कि ये टेररिज्म जो है उसका इसका बैकग्राउंड है और टेररिज्म हमारी ज़िंदगी की हकीकत है, एंटायर वर्ल्ड में आजकल टेररिज्म है तो इसे हम नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, इट्स जस्ट अ बैकड्रॉप, इट्स अ लव स्टोरी विद अ टेररिज्म एज अ बैकग्राउंड। एंड कश्मीर इसलिए है क्योंकि जो मैं आपसे कह रही थी मेरी जो बच्ची है उसे मैंने गोद लिया है, मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ से आई है, आगे जाके हमें पता चलता है कि वो कश्मीरी लड़की है और उसके माँ बाप जो थे वो इंटेलिजेंस में एक अटैक में मारे गए, तो इस वजह से वो उसी लाइन को फॉलो करना चाहती है, तो ये है इसका कनेक्शन है कश्मीर के साथ क्योंकि वो ओरिजिनली कश्मीरी बेटी है, लड़की है, बट अदर देन दैट इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी, ना तो कोई सच्ची घटना पे आधारित है ये, बिल्कुल इट्स अ क्रिएटिव फिक्शन। ओके, शो में आपकी बेटी स्पाई दामाद का भी टेररिस्ट से कनेक्शन है, तो इस सिनेरियो को आपने शो में कैसे देखा? या मैं तो बहुत इमोशनल, मैं हर बात पे रो देती हूँ तो मैं तो रो ही पड़ूंगी। ख़ास तौर पे मेरी बच्ची अगर स्पाई बनेगी तो मुझे तो बहुत मतलब मैं चाहती हूँ कि वो मेरा फरसान माट संभाले आगे जाके, ये स्पाई बनना तो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। ओके, कश्मीर में शूट किया, कितना एंजॉय किया? बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, काम भी बहुत सारा हुआ। कश्मीर ऐसी जगह है जो जहाँ देखो वहाँ जन्नत है, हालांकि मौसम ऐसा था कि बहुत ठंड थी, सब पेड़ सूख चुके थे, फूल मुरझा गए थे, लेकिन फिर भी वो जगह खूबसूरत है और वहाँ के लोग, उन्होंने जो मेहमान नवाजी दिखाई हमें वो इट वाज़ अमेजिंग, और हमें बहुत सपोर्ट मिला जवानों का, आर्म्ड फोर्सेस का, सीआरपीएफ का, तो इस वजह से हम अच्छे से शूट कर पाए, नहीं तो थोड़ा टेंशन तो लगा रहता है दिमाग में। जैसे मैंने जब घर में कहा कि मैं जा रही हूँ कश्मीर शूटर, सबने कहा तुम वहाँ क्यों जा रही हो, इट्स अनसेफ, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि अनसेफ नहीं है, ये बहुत सारी अफवाहें हैं जो बाहर फैलाई जाती हैं फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट्स, तो हमें तो बिल्कुल कुछ अनसेफ नहीं लगा और बहुत मज़ा आया शूट करने में, और वहाँ हमने सब ने जितना हो सके निचोड़ डाला कश्मीर को, मतलब जहाँ जहाँ जाना था, जहाँ का खाना खाना था, सब हमने कर लिया, सो वी हैड अ ग्रेट टाइम। ओके मैम, शोज तो चलते रहेंगे बट OTT इज इन ट्रेंड, तो कुछ प्लान्स हैं OTT के लिए? बस मुझे कोई ऑफर दे दे तो मैं ज़रूर करूँ, लेकिन नहीं, मुझे रोल अच्छा होना चाहिए, मैं वेदर इट इज़ OTT, वेदर इट इज़ एनी अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म, TV हो, फिल्म हो, थिएटर हो, मैं हमेशा अपना रोल देखती हूँ, आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई रोल, तो मुझे ऑफर्स आए हैं OTT के, बट आई नेवर फेल्ट द रोल वॉज सब्सटैंशियल इनफ, तो आई एम वेटिंग एंड आई वुड लव टू वर्क ऑन OTT क्योंकि वो एक ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीका होता है काम करने का, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सिर्फ OTT करूँगी और टेलीविजन नहीं करूँगी, मुझे कोई भी मीडियम हो काम करना है और एक्टिंग करनी है। ऑल टाइप्स, मतलब जिसमें मुझे मज़ा आए करने में और मैं जब घर से निकलूँ तो एक वो जो उत्साह होता है वो बना रहे, सो आई डोंट केयर मैं कॉमेडी करूँ, मैं मेलोड्रामेटिक करूँ, कुछ भी करूँ, आई जस्ट वॉन्ट अ रोल विच आई विल एन्जॉय,
मैं कभी ऐसा नहीं सोचती कि मैं इस तरह का रोल करूँगी, कोई भी रोल। ऑडियंस के कहूँगी कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, एंड प्लीज़ वॉच स्पाई बहू फ्रॉम 14th of March ऑन कलर्स TV 9 PM मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू वेरी मच।